हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन फिर फाइन। हरियाणा सिटी मेंस के अंदर जो आपका ग्रुप 20 का एग्जाम हुआ था, क्या लास्ट डेट है? अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन उसके रिगार्डिंग, एचएसएससी की वेबसाइट पे जाके आप यहां से ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन एक दो जितने भी ऑब्जेक्शन है, तो मैक्सिमम फाइल कीजिए। एंड अगर एक स्टूडेंट है यहाँ पे ऑब्जेक्शन करता है, एंड अगर आंसर वो सही मिलता है, तो डेफिनेटली सबको नंबर मिलेंगे। एचएसएससी के जो एम्प्लॉयज है, उन्होंने बताया कि एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट उसको ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, ताकि ये ना लगे एक ही कैंडिडेट का वो है। देखो, तो एटलीस्ट 10 to 15 इवन आप मैक्सिमम लोग ट्राई करो। कोई भी फीस नहीं है। कैसे करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एचएससी की वेबसाइट पे जो सेकंड नंबर पे है, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फॉर आंसर, दैट इज ग्रुप नंबर 20, इन सब के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड ऐसा कुछ प्रीफेस आएगा, आपको प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, देन रोल नंबर जो आपको एग्जाम देके है उसका, देन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, लाइक ग्रुप 20 यहाँ पे। फिर आपको जैसे टेस्ट कोड मिल जाएगा, सेट ए हमने लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हमको सबमिट एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप ये फिल करेंगे, तभी आप आगे पहुंच पाएंगे। उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन नंबर मांगेगा, कौन से क्वेश्चन में है एंड आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, उसको टिक करके देन उसके नीचे कौन सा सोर्स है। जैसे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए जो सोर्स मांग रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग आपको ये बताना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको जनरल ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सेट ए है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड लॉज। यहाँ पे इन्होंने ले रखा है रिस्क असेसमेंट, जो कि एसआई के एक्ट के अंदर डायरेक्टली मेंशन है। उसका सोर्स भी आपको एचएसएससी सीईटी ग्रुप 20 जो टेलीग्राम चैनल है उस पे शेयर कर दिया है, तो आप नकली लगा सकते हैं। एंड इसमें आपको अगर आपने डाइटरी कंट्रोल किया है, रिस्क असेसमेंट, तो दोनों में ही नंबर मिलेंगे। लाइक इस स्टूडेंट ने यहाँ पे रिस्क असेसमेंट किया है, तो ऐसा नहीं कि उसके नंबर काटेंगे, यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, सेम वे के अंदर अगर आप बात करें सेट ए के अंदर ही, तो क्वेश्चन नंबर 22, एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज एक्सप्रेस इन, तो आपको कैलोरीज जूल जूल पर ग्राम एंड मिलीग्राम के हिसाब से आप मान सकते हैं। देखो, यहाँ पे एनर्जी की यूनिट आप पे जूल भी मान सकते हैं, बट जो फूड आप कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी आपको किलो कैलोरीज के अंदर ही एक्सप्रेस होती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं पूछा गया था कि इंटरनेशनल के अंदर इसकी क्या यूनिट है, एंड इन्होंने आंसर लिया है जूल पर ग्राम, ठीक है। अब कैलोरीज, बिकॉज यहाँ पे किलो कैलोरीज भी नहीं है, इसमें भी आपके दो आंसर हो सकते हैं, तो आप मैक्सिमम इस क्वेश्चन को फाइल कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्शन के हिसाब से इसका सोर्स भी आपके साथ एनसीईआरटी का सोर्स ट्रेंड कर दिया है। सेम वे के अंदर अगर आप क्वेश्चन नंबर 99 पे जाते हैं, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बोथ चिलेटिंग एजेंट एंड एसिडुलेंट। इसमें आपका सिट्रिक एसिड आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है, बट EDTA भी आपका यूज होता है। एंड अब स्टूडेंट ये कहेंगे कि मैंने फलाने दिगड़े से पूछ लिया, तो प्लीज का जो सिट्रिक आंसर है, इसके नंबर आपके नहीं कटेंगे अगर यहाँ पे EDTA भी आंसर लिया जाता है। दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, एक सेकंड। ऑक्सीजन ऑप्टिमल हेड स्पेस गैस लेवल इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रोड्यूस पैकेज फिलिंग। इसमें आपका ऑक्सीजन का जो लेवल उन्होंने बहुत ज्यादा बता रखा है, जो कि इतना ज्यादा नहीं होता, का भी सोर्स आपके साथ HCCET ग्रुप 20 के अंदर शेयर कर दिया। तो आप इन चार क्वेश्चन पे तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी था, प्लीज उसका सोर्स देख के मैक्सिमम ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हैं। एंड आज इवनिंग तक की डेट है, तो ट्राई करो, अभी इसको आप ऑब्जेक्शन फाइल कर दो, कोई भी चार्ज नहीं है। सो एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन रुक भी सकता है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। एंड किसी दूसरे के भरोसे बिल्कुल मत रहो कि वो आपका ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा। अगर सभी लोग ऐसा ही सोचने लगे, तो कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करेगा, एंड जो आंसर की आई थी वही आपके आंसर की रहेगी। एंड ये भी रियलिटी है, कोई भी बोर्ड हो, हर एक के अंदर 4 से 5 गलतियां होती हैं। एरर मीन्स आपने ट्राई किया, ठीक है। एरर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी ह्यूमन बींग्स के लिए, लोगों की मर्जी है, बट ट्राई करो ऑब्जेक्शन फाइल करने की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, एंड जब ऑब्जेक्शन फाइल का लिंक है, आपसे आप डायरेक्टली क्लिक करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।